तो बेटा एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर है बेटा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपिटल स्ट्रक्चर वाली चैप्टर है बेटा इसमें, जो कि काफी इंपोर्टेंट है थ्योरी वाइज, ठीक है ना। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अभी मैं इसमें जो थ्योरी करवा रहा हूँ, पहले मैं तीन चीजें निपटा रहा हूँ बेटा इसकी। मैंने लिखा भी है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में तीन अप्रोचेस आती है, जिनको मैं पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर थ्री एक एक पार्ट में करवाऊंगा, ताकि पार्ट छोटा बने और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। क्लियर है? ये जो तीन अप्रोचेस होती है बेटा, वो ये है तीनों जो मुझे पढ़ानी है, ठीक है ना। और उसके बाद भी दो तीन क्वेश्चन और आते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर में काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, और मैक्सिमम टाइम्स बीकॉम ऑनर्स बीबीए इनमें पूछा जाता है, ठीक है ना। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम और बीबीए, ठीक है ना। अब यहां पे अगर हम बात करें तो यह है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज यानी अप्रोचेस पार्ट नंबर वन। स्टार्ट करते हैं, अप्रोचेस बेटा कितनी है आपके पास, ठीक है। तो हम पे तीन तरह की अप्रोचेस होती है। कितनी तरह की होती है? तीन तरह की अप्रोचेस होती है, जिसमें पहली अप्रोच का नाम है बेटा नेट इनकम अप्रोच। कौन सा है? नेट इनकम अप्रोच, जिसको हम एनआई अप्रोच भी बोलते हैं। दूसरी अप्रोच है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसको हम एनओआई अप्रोच भी बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। और तीसरी है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है ना बेटा, इसका नाम से ट्रेडिशनल ही है, ठीक है ना। तो पहला नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच, एनओआई मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और ट्रेडिशनल अप्रोच। क्लियर हो गया? बात करते हैं सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच की, यानी एनआई अप्रोच की। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, यानी इस अप्रोच के अकॉर्डिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, यानी जो कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पैसों का ढांचा, यानी कैपिटल का ढांचा, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर्स, लोन, ये सब चीजें आती है। तो उसने बोला जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है कि मेरी कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या होना चाहिए, ये जो डिसीजन है ये रेलेवेंट है। किसके लिए रेलेवेंट है? ये रेलेवेंट है टू द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, यानी फर्म की वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। क्लियर हो गया? आगे, एज सच अ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हो तो इससे कॉजेस क्या देखने को मिलेगा? एक तो ओवरऑल चेंज देखने को मिलेगा, किसमें? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। ओवरऑल चेंज देखने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, और साथ साथ ऑल्सो किसमें? टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। तो अभी तक क्या पढ़ा हमने? पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन वो रेलेवेंट माना गया है टू द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। नंबर तो हमने पढ़ा कि जैसे ही हम चेंज करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो इससे क्या देखने को मिलता है? ओवरऑल चेंज देखने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, और साथ ही साथ टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं इसी को भी। आगे, इन दिस अप्रोच इट इज एज्यूम्ड दैट, इस अप्रोच में यह एज्यूम किया जाता है, ठीक है, कि द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? के ई बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? के छोटा सा ई, ठीक है ना। ऐसी एंड कॉस्ट ऑफ डेट यानी के डी, दोनों क्या होंगे? कॉन्स्टेंट होंगे। तो इस अप्रोच में माना जाता है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी के ई है और कॉस्ट ऑफ डेट यानी के डी है, वो कॉन्स्टेंट माना जाएगा। दैट इज आई डॉट ई डॉट मतलब दैट इज दे डू नॉट चेंज विद द इंक्रीज इन लिवरेज, यानी जैसे जैसे लिवरेज बढ़ेगा इनमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा, इसने ये माना हुआ है। अब लिवरेज का मतलब क्या है? तो बेटा अभी देखो, आपने हल्का सा इसका मतलब रिस्क समझ लो, क्या समझ लो? रिस्क, ठीक है, बाकी डी पे चैप्टर में बात करेंगे। तो यहां पे जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा, उसने बोला के ई और के डी में कोई भी चेंज तब भी देखने को नहीं मिलेगा, उसने ये बोला। आगे, एज के ई एंड के डी आर एज्यूम टू बी सेम, अब आपने के ई और के डी को तो सेम मान लिया है, तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बेटा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, शॉर्टकट में इसको केओ बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? केओ। तो जैसे के ई और के डी सेम रहेंगे, तो जो आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लो या फिर केओ बोल लो, या शॉर्टकट में इसको डब्ल्यू ए सी सी बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं? शॉर्टकट में अगर इसको लिखना चाहे तो डब्ल्यू ए सी सी भी बोलते हैं इसे, डब्ल्यू ए सी सी, ठीक है ना। तो उसने बोला विल डिक्रीज, तो आपका जो केओ है वो डिक्रीज हो जाएगा। एज वी इंक्रीज द रिलायंस इन चीपर सोर्स ऑफ फंड, बोल कह रहा है घूमना मत, इसने बोला इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो के ई और के डी है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, के ई और के डी सेम रहेगा। जब के ई और के डी सेम रहेगा तो जो केओ है वो गिर जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, बस इतनी सी बात बोली है। के ई और के डी सेम रहेगा और केओ आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ के लिखा हुआ है, इन दिस अप्रोच इट इज एज्यूम दैट, एज्यूम किया जा रहा है कि जो के ई और के डी है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, समझ में आ गया। दैट इज वही लिखा हुआ है कि दे डू नॉट चेंज विद द इंक्रीज इन लिवरेज, जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा ये चेंज नहीं होगा, इसने ही बोला है। आगे, के ई और के डी जब सेम रहेंगे, ये पॉइंट भी वही है,
तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब इसके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, WACC बोल लो, KO बोल लो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह लो, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह लो, कुछ कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे KO बोल लेते हैं, KO वो डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर होगा, जब ये दोनों सेम रहेंगे तो KO डिक्रीज हो जाएगा। एज वी इंक्रीज द रिलायंस, जब हम ज्यादा भरोसा दिखाते हैं इसके ऊपर, चीपर सोर्स ऑफ फंड्स के ऊपर, चीपर सोर्स ऑफ फंड का मतलब होता है सस्ता पैसा, जहां से सस्ता मतलब जो पैसे का तरीका है। अब सस्ता क्या चीज होती है, तो सस्ते का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डेट यानी जो डिबेंचर होते हैं, लोन होता है, उसको सस्ता माना गया है, डेट यानी डिबेंचर को सस्ता माना गया है, क्लियर हो गया। अब इसके लिमिटेशंस क्या है, यानी NII अप्रोच के लिमिटेशंस क्या है, या NII अप्रोच के अजम्पशंस क्या है, अजम्पशंस टू NII अप्रोच, अजम्पशंस ऑफ NII अप्रोच। तो पहला अजम्पशन ये, इस अप्रोच ने अज्यूम किया कि कॉर्पोरेट टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट, कि कॉर्पोरेट टैक्स होते ही नहीं है, कंपनी के टैक्स होते ही नहीं है, जो कि एक नंबर की बेवकूफी है बेटा, एक्चुअल लाइफ में टैक्स होते हैं। तो उसने पहला अज्यूम किया कि कॉर्पोरेट टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट, नंबर वन। नंबर टू, इसने बोला देयर आर नो रिटेन अर्निंग, यानी रिटेन अर्निंग नहीं है, रिटेन अर्निंग मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व सरप्लस नहीं होता, दैट इज आई डॉट ई डॉट दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%। इसका मतलब ये बोल रहा है कंपनी या फर्म जो भी है आपकी कंपनी, वो क्या करेगी, जितना भी कमाएगी उतना सारा शेयर होल्डर को बांट देगी, सबको बांट देगी, अपने पास कुछ नहीं रखेगी। क्या एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता है कि आपने जितना कमाया सारा बांट दिया, अपने लिए कुछ नहीं बचाना, नहीं। तो बेटा दूसरी बेवकूफी ये इसकी अजम्पशन है, पहली क्या थी कि कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है एग्जिस्ट नहीं करते, दूसरी इसने बोला कि रिटेन अर्निंग नहीं देखने को मिलेगी, सारा का सारा पैसा आप बांट दोगे, ठीक है ना। आगे बोथ KE एंड KD रिमेन कॉन्स्टेंट, आपने क्या माना हुआ कि KE और KD सेम रहेंगे, एंड इंक्रीज इन द फाइनेंशियल लिवरेज, अगर आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, लिवरेज मतलब रिस्क बताया मैंने यहाँ पे, तो जैसे ही आपका फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ता है, तो उसने बोला डज नॉट अफेक्ट द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर के रिस्क जो परसेप्शन है, धारणा है, जो उसके माइंडसेट है, उसको चेंज नहीं करेगी। कभी ऐसा हो सकता है अगर मैं आपके इसमें रिस्क बढ़ाता चले जाऊं, मान लो इक्विटी, बेचारा मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं, ठीक है, हम सभी मान लो इक्विटी वाले हैं जो कंपनी का ऑनर है, और कंपनी लोन पे लोन, डिबेंचर पे डिबेंचर ले जा रही है, तो बेटा सोच के देखो ना, जब बार बार लोन ले लिया, इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं गड्ढे में भी जा सकती है, तो इसका मतलब रिस्क बढ़ रहा है, लोन आएगा, डिबेंचर आएंगे, तो रिस्क बढ़ेगा, और रिस्क बढ़ेगा तो मेरे माइंडसेट क्या होना चाहिए, मेरा माइंडसेट होना चाहिए कि मैं कंपनी से ज्यादा पैसा मांगूंगा अपने लिए, भाई कल को कंपनी डूब जाएगी साला, मेरे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मेरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि यार बार बार कंपनी वो क्या ले रही है, लोन पे लोन ले रही है, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपना बेनिफिट लो, मैं अपनी अर्निंग को क्या करवा दूं, अर्निंग को बढ़वा दूं, ऐसा होना चाहिए ना माइंडसेट। बट यहां पे कह रहा है कि माइंडसेट में चेंज ही नहीं है, बताओ। तो KE और KD को कॉन्स्टेंट माना गया है। अब बताओ रियल लाइफ में अगर मान लो रिस्क बढ़ गया, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया, तो ये कह रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी सेम ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। आगे देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड, इसमें से दो सोर्सेज बताए फंड्स के, पहला इक्विटी होगा और दूसरा डेट होगा। डेट में यानी डेट बेटा वही फिक्स, जिसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी लोन हो या डिवेंचर हो, कोई भी जिसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। आगे कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और यहाँ पे जो KD होगा, कॉस्ट ऑफ डेट मतलब KD, ठीक है ना, डेट मतलब डिवेंचर हो गया और कॉस्ट ऑफ डेट मतलब KD, ठीक है ना। तो जो जैसे मान लो कि डिवेंचर का आगे रेट लिखा होता है ना, 10% देंगे, तो बट उसकी वो कॉस्ट होती है, वो निकालना सीखना होता है, बट जैसे 10% डिवेंचर, 10% की कॉस्ट होगी, समझ, ये मान के चलो अभी खाली बेसिक सा, तो कॉस्ट ऑफ डेट जो होगी वो कम मानी गई है यहाँ पे किसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, समझ में आ गया तक। अभी देखो मैं इसका जो आगे समझाने वाला हूं, बट सबसे पहले ना एक काम करता हूं, मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। क्या बोला मैंने, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज यानी अप्रोचेस, ये पार्ट नंबर वन है, दो पार्ट और आएंगे इन अप्रोचेस के, इसके बाद अलग से वीडियोस और बनेगी वो बाकी चीजों की होगी, बट ये तीन पार्ट में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पहला नेट इनकम अप्रोच NII अप्रोच, दूसरा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यानी NOI अप्रोच, और तीसरा ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच की अगर हम बात करें, तो मैंने बोला इस अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर जो है इज रेलेवेंट, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन जो है वो रेलेवेंट है टू द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, पहला पॉइंट। नंबर दो, अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हो, ठीक है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब मैंने बताया आपको कि उसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, लोन, डिवेंचर कितना क्या क्या होना चाहिए, अगर ये चीज अगर इनमें अगर आप चेंज करते हो, तो इससे चेंज आएगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी चेंज आएगा, और साथ ही साथ किसमें टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म में भी चेंज आएगा। फिर मैंने बताया ये अज्यूम करता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट आपका सेम रहेगा, यानी कॉन्स्टेंट रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। अगर लिवरेज में चेंज भी आएगा तो भी इसमें चेंज, दोनों में चेंज नहीं आएगा। जब KE और KD आपके कॉन्स्टेंट रहते हैं, तो ऐसे केस में जो KO होता है यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलो या WACC बोलो या जो मर्जी बोलो, वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब ये दोनों सेम रहेंगे तो KO डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। एज वी इंक्रीज, जब हम इंक्रीज करते हैं, रिलायंस मतलब भरोसा किस पे, चीपर सोर्स ऑफ फंड मतलब डिबेंचर यानी डेट, ठीक है, कर्जे को सबसे सस्ता माना गया है, ठीक है, डेट को।
लिमिटेशंस क्या है, बकवासी लिमिटेशन है, लिमिटेशन बोलो या अजम्पशन बोलो, बहुत ही बेकार डिसीजन ले रखी है। पहला कॉर्पोरेट टैक्सेस ने बोला होते ही नहीं है, डू नॉट एग्जिस्ट। दूसरा रिटेन अर्निंग नहीं देखने को मिलेगी, रिजर्व देखने को नहीं मिलेगा, रिजर्व सरप्लस देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी पैसा कमाओगे सारा का सारा आप बांट दोगे, ठीक है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब जो बांटने वाला पोर्शन है ना वो 100% रहेगा। आगे बोथ केई और केडी को यहाँ पे कॉन्स्टेंट माना गया है, अगर इन एक्चुअल लाइफ में अगर इंक्रीज होता भी है फाइनेंशियल एवरेज में तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसने बोला किस पे, रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर का जो रिस्क परसेप्शन होगा, माइंडसेट होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको कोई चेंज नहीं आने वाला, वो तब भी बेटा चुपी रहेगा, ठीक है ना। आगे देयर आर ओनली टू सोर्सेस ऑफ फंड, यहाँ पे दो सोर्सेस ऑफ फंड की बात की है, इक्विटी और डेट। डेट यानी लोन, बच्चा कहता भाई डिबेंचर पे तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है, तो बेटा यहाँ पे अगर मान लो मैं लोन वोन ले लेता हूँ तो लोन में अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं है तो वो वाला यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे कौन सा वाली बात कर रहे हैं, जिसमें लोन जिसका फिक्स इंटरेस्ट, लोन भी आ जाता है ना इसमें, तो फिक्स इंटरेस्ट वाले आपको लेने हैं, डिबेंचर लोन जो भी लोगे फिक्स इंटरेस्ट वाले। कॉस्ट ऑफ डेट कम होना चाहिए, कम होगा इसने बोला, किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। बड़ा सिंपल सा इसका डायग्राम है, देखो कैसे ये बनाया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जीरो, क्लियर। डिग्री ऑफ लिवरेज यानी डिग्री ऑफ रिस्क यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने केई केओ एंड केडी वो भी परसेंटेज फॉर्म में लिया है, किस फॉर्म में लिया, परसेंटेज फॉर्म में ही आता है बेटा हमेशा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो केई और केडी को सेम बनाना है, मतलब कॉन्स्टेंट रखना, मतलब उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो केई भी कॉन्स्टेंट रखा है, केडी भी कॉन्स्टेंट रखा है, क्लियर हो गया। के ई और के डी क्या रखा मैंने, कॉन्स्टेंट रखा है, क्लियर। और इसने बोला था के ओ को डिक्रीज करते हुए दिखाना, तो के ओ यहां से स्टार्ट होगा और ये डिक्रीज करते हुए जाएगा। बच्चे बोलते जो भी लहर मारते हुए सीधी लाइन खींचू ऐसे करके, बिल्कुल हाँ बेटा खींच सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसे जैसे हमने ये बनाया ये बने हुए हैं, तो आप यहां से सीधी लाइन ऐसे आ सकते हैं, सॉरी नीचे क्रॉस मत करना बस, और बड़ा बड़ा बनाता है ना स्टाफा बन दिखेगा तो सही, ये है मान लो ऐसे ऐसे दिखा सकते हो, तो ऐसी सीधी लाइन आ सकती है, ठीक है। तो ये के ई हो गया, ये के डी हो गया, के हो गया, बताओ डायग्राम तो इतना आसान है, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं पार्ट नंबर टू में, मेरे को लगता है बड़े प्यार से समझ में आ भी गया होगा, अच्छे से अच्छों को समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, सबको समझ में आ जाएगा, फटाक से नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का है याद रखना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।